अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगम मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और स्पोर्ट्स टाइम में आज जो हमारे गेस्ट हैं प्रो बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, अनडिफीटेड हैं अभी तक अपनी प्रोफेशनल कैरियर में, मोहम्मद शुएब खान द कूलेस्ट बॉय, जो कि लास्ट ईयर ही 30 नवंबर 2022 को जो है उन्होंने अपना टाइटल जीता है। इनका टाइटल है लाइट वेट एशियन चैम्पियन बने हैं ये, और अपने ओपोनेंट इंडोनेशियन ओपोनेंट को इन्होंने हराया है और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। तो हम शुएब से, मोहम्मद शुएब खान से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनका कैरियर अभी तक किस तरीके से चल रहा है और आगे क्या उनकी कहते हैं गोल्स हैं, क्या अचीव करना वो चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, आप सुनाए कैसे? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले शुएब भाई, लास्ट फाइट जो आपने खेली और लाइट वेट एशियन बॉक्सिंग के आप जो है चैंपियन बने, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फाइट कैसी थी और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट फाइट जो मेरा हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, मेरा जो अपोनेंट था वो इंडोनेशियन बॉक्सर था। माशाल्लाह बहुत अच्छी फाइट हुई, जितना मैंने ट्रेनिंग किया था इतना अपोनेंट ने भी ट्रेनिंग किया था। तो वहां पे जो मुझे यकीन करो कामयाबी की जो सबसे बड़ी मतलब राज थी वो यही थी कि मेरा पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह पाक ने वहां पे मुझे इज्जत दिया। बहुत अच्छा फाइट हुआ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, और अभी तक आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अनडिफीटेड हैं, इसका राज क्या है, थोड़ा सा शेयर करें। बस 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, 2022 की फर्स्ट में 10 जून को, तो उसके बाद फिर मैंने मर्दाने में फाइट खेला, फिर उसके बाद मैंने थाईलैंड में थाईलैंडी बॉक्सर के साथ खेला फाइट, फिर थर्ड फोर्थ फाइट था मेरा तेरा इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ खेला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं 4 फाइट खेला हूँ और 4 के 4 फाइट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनडिफीटेड हूँ। तो ये सारे आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह, मजीद भी आप लोगों की दुआएं चाहिए इंशाल्लाह, ताकि पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मजीद रोशन कर सकूँ। नहीं नहीं, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाब करता रहे और आप इसी तरीके से जो है अपने ओपोनेंट को जो है वो हराते रहें और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहें। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे शुएब भाई कि आपने किस तरीके से जो है बॉक्सिंग स्टार्ट करी, शुरू में क्या था, आपको शौक था या नहीं, किस तरीके से बॉक्सिंग में आए? जी हाँ, जैसा कि मतलब मेरा जो ताल्लुक है वो क्वेटा शहर से है, अभी पाकिस्तान में लाइक कराची और क्वेटा, ये जो मतलब बॉक्सिंग के एक मरकज कहलाया जाता है इन दोनों को, इन दोनों जगहों को, जो मतलब क्वेटा के हर शहर में मतलब हर जगह हर गली में मतलब हर स्ट्रीट में क्लब होती थी। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे वो सारे मतलब ज्यादातर बॉक्सिंग खेलते थे, उनको देखकर उनके मुकाबलों के लिए जब हम लोग जाते थे तो मेरा भी शौक आया। तो मेरा जो विशेष कास्ट है वो जेरी कास्ट है, मेरे तालुक के बलोच से, बलोच कास्ट है। हालांकि यकीन करो मेरे फैमिली में नहीं, मेरे पूरी कास्ट में कोई बॉक्सर नहीं है, सिर्फ वो एक मैं बॉक्सर हूँ। तो अभी जब मैं एशियन चैंपियन बना हूँ तो मेरे वालिद साहब ने मेरे कास्ट के जो सरदार हैं उनको इतला दिया, सरदार इनायतुल्लाह जेरी को, कि शुएब खान जो है वो एशियन चैंपियन बना। तो उन्होंने फौरन मुझे कॉल किया और बहुत खुश हुई और मुझे मुबारकबाद भी दिया उन्होंने, बहुत खुश थे। उन्होंने यही कहा कि शुएब माशाल्लाह चैंपियन बने हो, एशियन चैंपियन बने हो, आज हम लोगों को पता चला ये क्या सीन था, आपके वालिद साहब ने भी हमारे साथ इस बारे में रब्ता नहीं किया और आपने भी रब्ता नहीं किया। तो मैंने कहा सरदार साहब मैं तो ट्रेनिंग में ही मसरूफ था, मेरे वालिद साहब के शायद आपके साथ स्कूल में सब बारे में ऐसे वालिद साहब के साथ शायद बातचीत ना हुआ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पे जब मैंने बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट किया, कोच सलाहुद्दीन बड़े से जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के भी कोच है, उन्होंने मुझसे बहुत मेहनत किया। पहले स्टार्ट में मतलब ऑल क्वेटा, फिर इसी तरह ऑल बलोचिस्तान, फिर इसी तरह ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में तकरीबन कई गोल्ड मेडल्स में गोल्ड मेडल में जीते हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि आपने अपना बता दिया है आपने किस तरीके से स्टार्ट करी और आगे के गोल्स क्या हैं आपके, अब आगे आपने क्या आगे कहते हैं अचीव करना है, क्या आपके जहन में है? इंशाल्लाह आगे मैं अभी तो एशियन चैंपियन बनाऊंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मजीद इंशाल्लाह सब ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं WBA टाइटल भी इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान ले सकूं लाइट वेट का, और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं WBC जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल इंशाल्लाह वो भी मेरा एक ख्वाब है, ड्रीम है मेरा इंशाल्लाह कि मैं वो भी पूरा करूं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसमें मैं अपना मेहनत भरपूर इंशाल्लाह जारी रखूंगा और हार्ड वर्क करूंगा। तो सबसे पहले तो भरोसा और उम्मीद जो है अल्लाह पाक से करना चाहिए और वही की जो है सब कुछ करने वाला है इंशाल्लाह, बेशक। तो मुझे अपने रब पे भरोसा है इंशाल्लाह, जो मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह वो पूरा करने देगा मुझे इंशाल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा, एक हमारा राउंड है रैपिड फायर राउंड, हम वो खेलते हैं, आपने क्विकली क्विकली जवाब देने हमने हमें रेडी हैं आप इसके लिए? चलें, ठीक है। अच्छा,
आपका फेवरेट मूव बॉक्सिंग में क्या है? मेरे फिर तो आपको बताएं, मतलब जब मैं प्रिफर करता हूँ जिसको काउंटर अटैक कहते हैं, अपने आप को बचा कर अटैक करना। अच्छा ठीक है जी हाँ। अच्छा पहला मूव जो आपने बॉक्सिंग में सीखा हो, सबसे पहला? सर पहला मूव ये हम लोगों को डाइजिंग उस्ताद ने दिया था, कुछ सलाउद्दीन उस्ताद ने, कि वन से बच के इस तरफ जाना है, टू से बच के इस तरफ जाना है, लाइक लेफ्ट से बच कर इस तरफ जाना है, राइट से बच कर इस तरफ जाना है, जिसे हम लोग स्लिप कहते हैं। ठीक है। अच्छा आपके ख्याल में बेस्ट कॉम्पिटिशन इन बॉक्सिंग, दुनिया में कौन सा कॉम्पिटिशन बॉक्सिंग का ऐसा है जो सबसे अच्छा है, जो आपको बहुत पसंद हो? मैंने जो देखा था दुनिया में, जो मतलब सबसे अच्छा जो बॉक्सिंग हुआ था, मेवेदर और पाकियो का जो फाइट हुआ था वो बहुत बेस्ट हुआ था दुनिया में, जो बहुत अच्छी लेवल का फाइट था, और आखिरी मिनट आखिरी सेकंड तक देखने का मजा आया। ठीक है। जो अभी इन दिनों में हुआ था, इन लोगों का जो फाइट था ये बहुत अच्छा फाइट था। ठीक। अच्छा आपका फेवरेट बॉक्सर? मोहम्मद अली। बेहतरीन। अच्छा क्या फीलिंग होती है जब मैच जीत जाते हैं तो? बहुत खुशी होती है, यकीन करो, मतलब अगर इंसान अपने घर के लिए खेल रहा हूँ या अपनी कार, अगर कोई अगर पूरा मुल्क कोई पूरा अपना कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी खुशी उसकी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा फीलिंग, मतलब खुशी महसूस होती है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। अच्छा वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी बॉक्सर्स? तमाम बॉक्सर्स के लिए बस मैं यही मैसेज यही पैगाम मेरा है कि आप तमाम बॉक्सर जो इंशाल्लाह आपने मेहनत करो, हमारे जो पाकिस्तान में खासकर बॉक्सर, एक बॉक्सर अगर मशहूर हो जाए तो दूसरा बॉक्सर मैं उनको मतलब मशहूर देखूँ, लेकिन सब एक बॉक्सर एक दूसरे को मतलब मशहूर करो, सब बॉक्सर एक दूसरे को मतलब अपने मतलब फेवरेट बॉक्सर बनाओ, एक दूसरे के साथ मतलब हेल्प करो, ताउन करो इंशाल्लाह, तब हम लोग जब एक पाकिस्तानी बनेंगे, और ये पाकिस्तानी का वाहिद मिसाल है, मैं तो प्रेसिडेंट पीबीसी और कलीम आजाद साहब का बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने इस तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया, जिससे मतलब बॉक्सर कुछ कमा भी सकते हैं अपने लिए और नाम भी बना सकते हैं, इसके अलावा मतलब हमारे पाकिस्तान को इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का फ्लैग इंटरनेशनल लेवल पर रोशन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक शुएब भाई, आपके ख्याल में बॉक्सिंग फाइट जो है वो मुश्किल है या आसान है? अगर ट्रेनिंग इंसान प्रॉपर करे, बॉक्सर अगर अपने आप को प्रॉपर तैयार करे तो मेरे ख्याल से फाइट आसान है, अगर इंसान ट्रेनिंग ना करे और लाइक 15 दिन का ट्रेनिंग या 20 दिन का ट्रेनिंग ये तो ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब 10 राउंड के मुकाबला कर देखा जाए, 12 राउंड के मुकाबला कर देखा जाए, बल्कि 3 राउंड के लिए, 3 राउंड क्यों ना मतलब इंसान के लिए, तो उसके लिए भी 15 दिन का 10 दिन का ट्रेनिंग पाकिस्तानी बॉक्सर को दुनिया के दूसरे बॉक्सर से कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, हमारे बॉक्सर में टैलेंट है इतना कि वो दुनिया के बॉक्सर से कंपेयर कर सकते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करो हम सब पाकिस्तानी की काबिलियत है कि हम लोग अगर दूसरे बॉक्सर की देखा जाए तो इंशाल्लाह हम लोग उनके बराबर हैं, उनसे कम नहीं है इंशाल्लाह, बस अगर कमी है तो सिर्फ सपोर्ट की कमी है, मैं तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो बाला उस इदारान बैठे हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे हर पाकिस्तानी बॉक्सर को बल्कि हर स्पोर्ट्समैन को यहाँ तक कि हमारे जो कमी के लिए हॉकी था वो कहाँ चलेगी, इसी तरह से क्रिकेट को लोग सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी भी तो गेम्स है इंशाल्लाह, ये लोग अगर इनको भी तरजीह देंगे तो हमारे पाकिस्तान की जो स्पोर्ट है हमारे पाकिस्तान की जो गेम्स है इंशाल्लाह हम लोग हर लेवल पे हर जगह इंशाल्लाह मेडल लेके आएंगे, लाइक जैसा अभी हॉकी के बाद जो पाकिस्तान ने जो बॉक्सिंग में बहुत नाम कमाया इंटरनेशनल लेवल पे, तो वही कहेंगे आज यकीन करो हर बॉक्सर जो स्पॉन्सर ये बात है कभी कहा कभी कहा कभी किस दर में कभी किस दर में, और स्पॉन्सर के भी सबसे पहले यही सवाल होते हैं बॉक्सर से कि मेरे तरह से तो आपको ये फायदा मिलता है कि हम लोग आपको स्पॉन्सर कर दें, आपकी तरह से हमें क्या फायदा मिलेगा, तो कभी कभी मुझे भी अफसोस होती है, यकीन करो स्पॉन्सर के लिए तो ये बड़ी एक अल्लाह पाक की नियामत होती है कि एक बड़ा जो पाकिस्तान के चैंपियन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं वो स्पॉन्सर के पास आया, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से आपको एक इनाम है, अगर आप उस पर एक स्पॉन्सरशिप के एहसान करोगे तो ये बहुत बुरी बात है, पाकिस्तान के जो हीरोज होते हैं आप उस पर स्पॉन्सरशिप के वो करते हुए एहसान करते हो। दूसरी बात मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों को स्पॉन्सर तक छोड़े ना, इधर ही अपने पाकिस्तान की तरफ से इनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैं जब भी कहने जाता हूँ जिधर भी कहने जाता हूँ अब नाम यहाँ पे आते हैं एमेच्योर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, मैं जब भी प्रोफेशनल खेल रहा हूँ चार राउंड चार पॉइंट मैंने खेले, चार के चार पॉइंट मैंने अपना पाकिस्तान का फ्लैग ले रहा है, मैं पाकिस्तान के नाम से खेलता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ,
जाके प्रोफेशनल हो रहे, मैच्योर किया, प्रोफेशनल कोई जुर्म है? ये तो मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं रशीद बलूच साहब का और करीम आजाद साहब का और इनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, किन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया। यकीन करो हमारे जो जाए बॉक्सर थे उनको वापस इन्होंने उठाया और अच्छे अच्छे लेवल पे खिलाया, इनको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका दिया। वरना अगर देखा जाए तो एमेच्योर लेवल पे पाकिस्तान का एक टीम होता है जिसका नाम ए टीम है। वैसे अगर सोचा जाए मतलब पाकिस्तान में ए टीम भी होना चाहिए, बी टीम भी होना चाहिए, सी टीम भी होना चाहिए। ए टीम का बॉक्सर अगर फिट है तो बी टीम का बॉक्सर तैयार होना चाहिए, अगर बी टीम का बॉक्सर मसरूफ है या वो बिजी या वो फिट नहीं है तो सी टीम का बॉक्सर तैयार होना चाहिए। हमारे ए टीम का बॉक्सर अगर बीमार है तो उस टाइम उस वेट का लड़का खत्म, वो नहीं जाएगा, उसकी जगह ऑफिशियल को ही जाएगा। ऑफिशियल क्या किस लिए जा रहे हैं वहां पे बॉक्सर के लिए? मतलब स्पोर्ट बोर्ड ने जो पैसे दिए बॉक्सर के लिए, मतलब स्पोर्ट बोर्ड ने सारा पेमेंट दिया कि इसको लेके जाओ और इसको खिलाओ वहां पे, ताकि ये वहां पे मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। अगर बॉक्सर की जगह कोई ऑफिशियल जाएगी या उसकी फैमिली के मेंबर जाएंगे तो खाल कोई मेडल आएगा पाकिस्तान। सही सही सही, बिल्कुल सही। खिलाओ होते पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी और गवर्नमेंट से भी। सही। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक रूल चेंज करना है बॉक्सिंग में, तो आप क्या रूल चेंज करेंगे बॉक्सिंग में? अगर बहुत अच्छा सा आपने सवाल किया, अगर एक रूल चेंज करना हो तो रूल क्या रूल चेंज करें हम लोग? सबसे पहले हम लोग ये जो बॉक्स है हमारे जो दिलों में है, इनाद है, जो बॉक्स है, ये हम लोग सबसे पहले खत्म करें। हम सब एक पाकिस्तानी बन जाए, बस ये हमारे लिए काफी है। अगर हम लोग सब एक पाकिस्तानी बनेंगे, लाइक अभी सारी उंगलियों को अगर ज्वाइन करोगे साथ करोगे तो ये एक पंच बनेगा, इसमें पावर भी आएगा, इसका असर भी इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज में भी पड़ेगा इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा आपका फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी तो मेरा इस वक्त मतलब क्वेटा है, और मैं वहां तो या फिर इस्लामाबाद में जब मैं वक्त गुजारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए, वहां पे मेरे वाले साहब की भी मतलब कुछ हालात था इस तरह था कि हमारे फैमिली के जो मतलब सिस्टम था वहां पे, हमारे क्वेटा में बलूचिस्तान में काफी जमीनात है अलहमदुल्ला मेरे वाले साहब ने, तो जमीनात की वजह से कुछ हमारे कास्ट के साथ हमारे लिए झगड़े बने, तब हम लोग यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। वरना मेरा फेवरेट सिटी जो है वो क्वेटा है। क्वेटा है, ओके। अच्छा क्या ज्यादा पसंद है, जंक फूड या देसी फूड? नहीं वैसे जो मतलब नॉर्मल जो घर में हम लोग खाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग सब्जी पसंद करते हैं, और हमारे लिए सब्जी वैसे अगर सेहत के लिए से भी देखा जाए तो अच्छी अच्छी होती है सब्जी। उसके अलावा बॉक्सिंग के लिए जो मतलब आपको बताया डाइट के प्लान खास ख्याल मतलब हम लोग रखते हैं, तो चावल भी बहुत पसंद करता हूँ, राइस कभी कभी जब भी जिधर भी मतलब दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में सेवर फूड के नाम से बहुत मशहूर राइस है, तो हम लोग जरूर वो खाते हैं। बिल्कुल, आपके इस्लामाबाद का सेवर फूड बड़ा जबरदस्त है, उधर का मैंने पुलाव खाया था, उसके साथ जो कबाब वो देते हैं बेहतरीन है। अच्छा आपका फेवरेट स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के अलावा? फुटबॉल है। फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल या नहीं? जी हाँ जी जी खेलता हूँ, बॉक्सिंग से पहले भी मैं खेल रहा था, या फिर इस्लामाबाद में मेरा बकायदा मतलब फुटबॉल की टीम है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ डी17 में, तो बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल, लाइक मतलब एक बॉक्सिंग का वर्क भी है, हम लोग उसमें रनिंग भी करते हैं। दूसरी बात मतलब फुटबॉल में जो ज्यादातर ये भी होती है मतलब इंसान को 11 प्लेयर जब एक साथ खेलते हैं तो 11 प्लेयर जो लाइक एक दोस्त भी होते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब एक माहौल होता है फुटबॉल का। सही 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 सही। अच्छा ये थे हमारा रैपिड फायर राउंड, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है क्या चीजें ऐसी हैं बॉक्सिंग में और स्पेसिफिक पाकिस्तानी बॉक्सिंग में कि जिसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और आगे कहते हैं एथलीट फ्रेंडली होना चाहिए? यस फ्रेंडली मैं तो वही मैंने आपको कहा कि सबसे पहले लोगों ने बहुत सतर्क करना हो, चेंजिंग की अगर आप बात करें तो बहुत गुड गुड बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चेंजिंग हमारे लिए मतलब सबसे पहले जो जरूरी है जो अहम है हमारे लिए जो कोचिंग कोर्स है वो सबसे जरूरी है इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो बॉक्सिंग चल रही है 2000 की चल रही है और लोग जो एडवांस जा रहे हैं, कोई जहाँ भी जिस भी कंट्री में हम लोग गए जिस भी मुल्क में हम लोग गए, यकीन करो उनके जो बॉक्सर है वो बहुत एडवांस है, 2030 के बॉक्सिंग वो हमारे साथ खेल रहे हैं और हम लोग अब 2000 के 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ये पंचेस वही पुराने पंचेस पुराने पंचेस के नाम हमें आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इंटरनेशनल कोचेस के साथ एक तरबियत हमें दिया जाए, एक कैंप के लिए लेवल पे मतलब उनको वहाँ पे खिलाया जाए, इंटरनेशनल बॉक्सरों के साथ हमें स्पेयरिंग का मौका दिया जाए ताकि हम उनके साथ खेल के मजीद मतलब हम लोग अच्छे हो जाए इंशाल्लाह। तो मेन जो हमारी कमी वो यही है पाकिस्तान में कि कोचेस के कोर्स कराने चाहिए और अच्छे से अच्छे कोचेस के साथ हमारे ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अलावा हमारे दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं और स्पोर्ट्स एथलीट जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं
तो उसके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरीके से आपके पास क्या सलूशन है कि किस तरीके से आप क्रिकेट के अलावा दूसरे जो एथलीट हैं जस्ट लाइक आप बॉक्सर हैं, तो किस तरीके से इन लोगों को क्या कहते हैं इम्प्रूव किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इनकी फाइनेंशियल जो क्या कहते हैं नीड है वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है? Yes, इसी तरह बिल्कुल जो कि क्रिकेट को ही सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को कोई भी मतलब इस तरह का मतलब सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह उनको चाहिए, तो मैं स्पोर्ट्समैन से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद इसी तरह मतलब ना उम्मीद था, तो अपने रब से उम्मीद हम लोग आखिर दम तक आखिरी तक इंशाल्लाह रखेंगे, उस रब वो रब जो है सब कुछ करने वाला चाहते हैं इंशाल्लाह, हम लोग अगर अपना मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक कहता है कि आप जिस चीज की तलब करते हो मैं वही आपको नसीब करूंगा इंशाल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत मिलेगा जरूर आपको इंशाल्लाह, कुछ देर से मिलेगा मगर मिलेगा, आप लोग सब अपनी मेहनत करें हार्ड वर्क करें, कोई आप मवेशी का मतलब शिकार ना बने, आप लोग हमारे पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के ऐसे टैलेंट जो मवेशी के शिकार बने और आज उन्होंने गेम छोड़ दिया, आप लोग इंशाल्लाह गेम में मतलब ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप लोग भी इंशाल्लाह एक वक्त पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे आप लोग। चले मोहम्मद शुएब खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आपका इस्लामाबाद का मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, बारिश हो रही है, एंजॉय करें उसको। जी हाँ माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो नाजरीन ये थे मोहम्मद शुएब खान, द कूलेस्ट बॉय बॉक्सर, जो कि रिसेंटली लिटिल वेट चैंपियन एशियन हैं, और अपने जिस तरीके से ये बता रहे थे कि किस तरीके से स्ट्रगल करके इधर तक पहुँचे हैं और किस तरीके से फिर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, दो तीन चीज़ें जो कि शुएब खान के इस पूरे इंटरव्यू से हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, बिलखसूस हमारी गवर्नमेंट, हमारे बड़े ब्रांड्स जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं एथलीट को या बॉक्सर को, क्योंकि ये एथलीट या ये बॉक्सर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें, और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान के बॉक्सिंग फेडरेशन से भी और जो भी बॉक्सिंग के अथॉरिटीज़ हैं इनसे कि काइंडली इनको थोड़ा सा देखें हमारे बॉक्सर को, और जो कहते हैं सपोर्ट इनकी बनती है वो करना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।